ऊना में 27 जनवरी को होने वाले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जवानी जंग शुरू हो गई है। हमीरपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने चुटकी लेते हुए पन्ना प्रमुखों को और झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हुए सलाह दी है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए एचआरटीसी निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेसियों को पीएम मोदी के द्वारा किए गए काम नहीं दिखते हैं और केवल मात्र फजूल की बयानबाजी में लगे रहते हैं। सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्र सरकार को आने वाले दिनों में अपना हिसाब जनता को देना होगा और अब पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में पन्ना प्रमुखों को झूठ सिखाने का काम करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने केवल झूठ का सहारा लेकर जनता को गुमराह किया है। हम घबरा नहीं रहे हैं, हम उनको सलाह दे रहे हैं कि 2014 के चुनावों में जो आपने देश की जनता के साथ झूठ बोला है और लोगों को ब्राइब दे के वोट लिए हैं, इन्होंने कहा है कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएगा, ये ब्राइब थी। ब्राइब दे के जो वोट लिए हैं और झूठ का सहारा लेके जो सत्ता में आए हैं, चाहे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही हो, चाहे इन्होंने 15 लाख व्यक्ति के खाते में डालने की बात कही हो, चाहे काला धन वापस लाने की बात कही हो, चाहे महंगाई को लगाम लगाने की बात कही हो, इन सब चीज़ों में ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, फेल हुई है। पन्ना प्रमुख आप बनाए, ये हर पार्टी का अधिकार है, आप सम्मेलन करें, रैलियां करें, ये पार्टी का अधिकार है, करें, उनके लिए खुली छूट है। परंतु पन्ना प्रमुख जो हैं उनके पास आप अमनिशन नहीं देंगे, बारूद नहीं देंगे, तो लड़ाई बंदूक बिना बंदूक से कैसे लड़ेंगे? जब पन्ना प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे, लोग पूछेंगे कि हमारे 15 लाख का हिसाब दे दो, 15 लाख कहाँ है? आप ये बताओ कि आपने ब्लैक मनी की बात कही तो वो कहाँ गया? आप ये बताओ कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का आपने वायदा किया था, वो वायदा खिलाफ ही जो आपने की है उसका हिसाब दो। जब ये लोग पूछेंगे तो पन्ना प्रमुखों के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरा इनको ये कहना है कि पन्ना प्रमुखों को कोई और झूठ बोलने की ट्रेनिंग दो, ताकि वो झूठ बोल के फिर से सत्ता में काबज आपको कर सकें। और अगर ऐसा झूठ बोलेंगे तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और पार्टी से लोगों का विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए एचआरटीसी निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने केवल एक ही परिवार के गुणगान में 60 साल गवा दिए हैं और अब बीजेपी सरकार के समय में किए गए कार्य नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि और बीजेपी के काम देख कर बौखलाहट हो रही है। इसमें कोई भी उपलब्धि नहीं है जो कि आप पन्ना को बताएंगे, इसमें काफी चुटकियां भी जानी क्या कहेंगे? ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको संगठन की कल्पना नहीं है और जिनको मोदी जी द्वारा कराया गया विकास और जयराम ठाकुर जी सरकार द्वारा किए गए काम दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल एक परिवार के गुणगान में पूरे 60 वर्ष तक लगे रहे और आम व्यक्ति के लिए, आम जन के लिए, लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, पढ़ाई, दवाई, ये सारी व्यवस्था करने का काम आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, हमारे देश की सुरक्षा ठीक हो, हमारे देश का विदेशों में ठीक छवि बने, उसके लिए पिछले 4 सालों में मोदी जी ने काम किया है और हम सब लोगों के समक्ष है। केवल उनको इसलिए लगता है कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो आज तक केवल विकास से हटकर अपने व्यक्तिगत कामों में लगे रहे और उनके लिए जिनको खाने पीने के शौक थे, उनको जो करप्शन करने की आदत थी, उनके लिए तो लगेगा ही कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आम लोगों के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए पिछले 5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत के लोगों का विश्वास अपने नेतृत्व पर बढ़ा, वही पूरे विश्व में भी भारत की छवि निखरी है।